तो मोबाइल जैसी चीज जो रोजमर्रा देखते हैं उसको भी चार्जिंग करना पड़ता है नहीं करना पड़ता है? अरे जवाब तो दीजिए। रिचार्ज करना पड़ता है नहीं करना पड़ता है? अगर मोबाइल को करना पड़ता है तो ये बॉडी को करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जैसे मोबाइल फोन में चार्जिंग ये मोबाइल की रिक्वायरमेंट है, वैसे हमारा शरीर का भी चार्जिंग ये शरीर की रिक्वायरमेंट है। आप ऐसा सोचो कि नहीं पढ़ना है तो बस विंडो बंद, पढ़ाई बाकी सब बंद, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जीवन ऐसे नहीं जी सकते हैं, और इसलिए जीवन को थोड़ा संतुलित बनाना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं खेलते ही रहते हैं, वो भी एक संकट होता है। लेकिन जब आपको एग्जाम देनी हो, क्योंकि लौकिक लाइफ जीवन में इन चीजों का अपना महत्व है, इसको टाल नहीं सकते। लेकिन अगर हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे, अगर हम अपने शरीर में वो सामर्थ्य ही नहीं होगा, तो हो सकता है कि 3 घंटे एग्जाम में ही बैठने का सामर्थ्य खो देंगे, फिर 5 मिनट ऐसे ही करके बैठा रहना पड़ेगा। और इसलिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन के लिए भी बहुत जरूरी है। अब स्वस्थ शरीर का मतलब ये तो नहीं है कि आपको पहलवानी करनी है, ये आवश्यक नहीं है। लेकिन जीवन में कुछ नियमितताएं होती है। अब आप कभी सोचिए कितना समय है जिसमें आप खुले आसमान के नीचे सनलाइट में बिताए हो। अगर आप चलो पढ़ना भी है तो किताब लेकर के सनलाइट में बैठो ना भाई थोड़ी देर। कभी कभी बॉडी को रिचार्ज करने में सनलाइट भी बहुत जरूरी होता है, क्या कभी कोशिश की? नियम से कि भाई मैं दिन में कैसे भी करके इतना तो मौका निकाल दूं ताकि मुझे सनलाइट के साथ नाता रहे। उसी प्रकार से कितना ही पढ़ना क्यों ना हो, लेकिन नींद को कभी भी कम मत आंकिए। जब अपनी मम्मी हमको कहती हैं कि सो जाओ, तो उसको उसका इंटरफेरेंस मत मानिए। ज्यादातर स्टूडेंट का ईगो इतना हर्ट हो जाता है कि तुम कौन होती हो, सोने सो जाओ और मुझे कल एग्जाम देनी है, मैं सोऊंगा नहीं सोऊंगा तुम्हें क्या लेना। ऐसा करते हैं ना घर में, जो नहीं करते हैं मन ना बोले, जो करते हैं वो बोले जरा। करते हैं? कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन ये पक्का है कि नींद के विषय में भी अगर एक बार रील पर चढ़ गए, एक के बाद एक रील देखते ही गए, छुपाना चाहते हो ना, कितना समय बीत गया पता नहीं, कितनी नींद खराब हो गई पता नहीं, क्या निकाला पहला रील देखा था याद करो जरा, याद भी नहीं है, ऐसे ही देख रहे हैं। ऐसे हम नींद को बहुत कम आंकते हैं। आज आधुनिक हेल्थ साइंस जो है वो नींद को बहुत तवज्जो देता है। आप आवश्यक नींद लेते हैं कि नहीं लेते हैं वो आपके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, आपको उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं कि बस एग्जाम तो आती रहेगी, मोदी जी को मिला था उसने कहा है सो जाओ। अभी यहां आर्टिस्टिक बोर्ड बनाओ और घर में घुसते ही लिखो सो जाओ, मम्मी पापा को दिखा दो सो जाओ, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। कम नींद स्वास्थ्य के लिए अनुचित है। कुछ अपवाद लोग होते हैं जिनको एक उन्होंने अपने एक ऐसे स्टेज पर बॉडी को ले गए हैं, उनको शायद उससे बाहर होंगे, सामान्य मानवीय के जीवन के लिए अनुचित है। आप कोशिश कीजिए कि आपकी रिक्वायर जितनी भी नींद है वो आप पूरी लेते हैं, और ये भी देखिए कि साउंड स्लीप है कि नहीं। बहुत गहरी नींद होनी चाहिए। आप हैरान हो जाएंगे, जो टीचर बैठे ना बड़ी आयु के टीचर,
ये सुनकर के जरूर चौंक जाएंगे। आज भी मैं इतना सारा मेरे पास काम है ना, आप लोगों जितना नहीं है। लेकिन 365 दिन कोई अपवाद नहीं, अगर मैं बिस्तर पे लेटा नहीं कि 30 सेकंड में डीप स्लीप की तरफ नहीं चला गया तो होता नहीं। 30 सेकंड लगता है मुझे। आप में से बहुत छोटी आयु के भी होंगे, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, फिर नींद आई तो आई। क्यों? मेरा बाकी जो जागृत अवस्था का समय है उसमें बहुत जागृत रहता हूं मैं। तो जब जागृत हूं तो पूरी तरह जागृत हूं, जब सोया हूं तो पूरी तरह सोया हूं। और वो बैलेंस जो बड़ी आयु के लोग हो परेशान होते होंगे, हाँ यार हमें तो नींद ही नहीं आती, आधा घंटा तो ऐसे ही करवट बदलते रहते हैं। और ये आप अचीव कर सकते हैं। फिर एक विषय है न्यूट्रिशन, संतुलित आहार। और आप जिस उम्र में हैं उस उम्र में जिन चीजों की जरूरत है वो आपके आहार में है कि नहीं है। एक चीज पसंद है बस खाते रहते हो, पेट भर जाता है, कभी मन भर जाता है, लेकिन शरीर की आवश्यकताएं पूरी नहीं करता है। 10th 12th का एक कालखंड ऐसा है जब आपके पास एग्जाम का वातावरण है, तो एक बार तय कीजिए कि मेरे शरीर को जितनी रिक्वायरमेंट है वो मैं लेता हूं। माँ बाप भी बच्चे को ऐसा ना करें, नहीं नहीं आज तो हलवा बनाया जरा ज्यादा खा ले। कभी माँ बाप को भी लगता है कि क्वांटिटी ज्यादा खिला दी तो बच्चा आज खुश है, जी नहीं। उसके शरीर, और इसके लिए कोई अमीरी गरीबी का मुद्दा नहीं है, जो उपलब्ध चीजें होती हैं उसी में से मिल जाता है जी। उसमें सारी चीजें रहती हैं, कम से कम खर्च वाली भी चीजें होती हैं जो हमारे न्यूट्रिशन को कैर कर सकती है। और इसलिए हमारे आहार में संतुलन ये भी स्वास्थ्य के लिए उतना ही जरूरी है। और फिर एक्सरसाइज, हमने पहलवानी वाली एक्सरसाइज करे या ना करे अलग बात है, लेकिन फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए। जैसे डेली टूथब्रश करते हैं ना, वैसे ही नो कॉम्प्रोमाइज एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैंने कुछ बच्चे अच्छे देखे हैं, वो छत पे चले जाते हैं, किताब लेके चलते हैं और पढ़ते रहते हैं, दोनों काम कर लेते हैं, कुछ गलत नहीं है। वो पढ़ता भी है और अपना धूप के अंदर चल भी लेता है, एक्सरसाइज भी हो जाती है। कोई न कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती रहती है। 5 मिनट 10 मिनट डेडिकेटेड फिजिकल एक्टिविटी करनी ही चाहिए, ज्यादा कर सकते तो अच्छी बात है। अगर इन चीजों को सहज रूप से आप लाएंगे, एग्जाम के तनाव के बीच सब कुछ इधर करेंगे वो नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। संतुलित करिए, आपको बहुत फायदा होगा। धन्यवाद। पीएम सर, आपने एग्जाम वॉरियर में भी हमें यही संदेश दिया है, जितना खेलोगे उतना खिलोगे। थैंक यू पीएम सर। रविंद्रनाथ टैगोर, वंदे मातरम की अमर भूमि, समृद्ध कला कौशल से भरपूर राज्य बंगाल के नॉर्थ 24 परगना स्थित केंद्रीय विद्यालय की छात्रा मधुमिता मल्लिक हमसे वर्चुअल माध्यम से प्रश्न पूछना चाहती है। मधुमिता, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय नमस्कार, मेरा नाम मधुमिता मल्लिक है। मैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बैरकपुर थलसेना कोलकाता संभाग की 11वीं विज्ञान की छात्रा हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है, आप उन छात्रों को क्या सलाह देना चाहेंगे जो अपने करियर के बारे में अनिश्चित है या किसी विशेष करियर या पेशे को चुनने के बारे में दबाव महसूस करते हैं? कृपया इस विषय पर मुझे मार्गदर्शन करें। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद मधुमिता। पीएम सर, भगवान कृष्ण की उपदेश भूमि, वीर बहादुर खिलाड़ियों के प्रदेश हरियाणा पानीपत के द मिलेनियम स्कूल की छात्रा अदिति तनवर
ऑनलाइन माध्यम से जुड़ी हुई है और आपसे मार्गदर्शन चाहती है। अदिति, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम अदिति तनवर है और मैं द मिलेनियम स्कूल पानीपत हरियाणा की कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मेरा आपसे प्रश्न यह है कि मैंने ह्यूमैनिटीज को अपने विषय के रूप में चुना है और लोग रोज मुझ पर ताने कसते हैं। मुझे यह विषय पसंद है इसलिए मैंने इसे चुना है, पर कभी कभी तानों को संभालना मुश्किल।